अभी तो दिनों अरोड़ा हाउस में हमारे यहाँ फ्लिपकार्ट की एक एजेंसी है जिनका काम है कि कंसाइनमेंट विभिन्न कंपनियों से मंगा करके और ग्राहकों को भेजना है। इस क्रम में वहाँ के जो मैनेजर अमित कुमार जी हैं उनके द्वारा सूचना दी गई कि इनका एक स्टाफ जिसका नाम कृष्णा कुमार है जो कि पहाड़ी का रहने वाला है उसके द्वारा फर्जी धोखाधड़ी किया गया। ये बड़ा ढंग से किया गया है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि ये दोनों मोबाइल जो मंगाया गया वीवो Y83 प्रो और रेडमी नोट 6 प्रो ये काफ़ी महंगी मोबाइल है। इसे मंगवा करके जब ग्राहकों को देने के लिए इस डिलीवरी बॉय कृष्णा कुमार को कहा गया तो उसके द्वारा कहा गया कि डिलीवरी वाले आदमी जिनको देना है वो है नहीं, वो वापस लौटा दिया। लौटाने के क्रम इसने क्या किया, बड़ी चालाकी से भीतर के सामान को निकालवा करके मोबाइल को जैसा आप देख रहे हैं पत्थर और ईंटा का टुकड़ा दे दिया गया। तो जब कंपनी से कंसाइनमेंट चलती है तो उसको बजाबते स्कैन किया जाता है और जब वापस लौटाया जाता है तभी स्कैन किया जाता है। तो मालिक को शक हो गया कि भाई इसमें तो मोबाइल भरा हुआ था, लौटाया गया है मैंने, लेकिन इसमें तो पत्थर भरा हुआ है। तो जब खोला गया तो इसके भीतर से पत्थर निकला। इसका हम लोगों ने कृष्णा कुमार के यहाँ छापा मारा जहाँ पर उसे दोनों मोबाइल को जैसा आपने देखा उन्होंने रिकवरी किया और इसको जो है न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। ये अच्छी उपलब्धि है, एक फर्जी वाले गिरोह का भी उद्भेदन हुआ है। सर इसके जो अरेस्ट हुआ है उसके साथ में कोई और सदस्य है या जी नहीं, इसके अकेले ही किया है जैसा इन्होंने बताया है। और इस कार्य में हमारे थाना के सब इंस्पेक्टर कृष्णा कुमार और ASI मनोज कुमार सिंह के द्वारा काफी महत्वपूर्ण कार्य किया गया।